जियोग्राफी का आंसर की दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। सो डिस्ट में आशा करते हैं कि आप लोग अभी जियोग्राफी का एग्जाम देकर बहुत ही अच्छी तरह से निकले होंगे। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप जो 16 क्वेश्चन आप जो एग्जाम में दे कर आए हैं, इसमें कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्ट फुल्ली आंसर की लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग पेपर में एग्जाम देकर आए हैं, उनका सारा आंसर की डिस्ट में आज आप लोगों के सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए डिस्ट में आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों जो एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम लोग देखते हैं। फाइनल एडिशन में क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जो और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या कोई भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम देकर निकल रहे हैं तो उसका आंसर की चाहिए, तो बिल्कुल इसमें आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने था कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, वस्तु प्रति कृषक उत्पादक कम है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित था। तो बोलेंगे सर ये गहन कृषि से, निर्वाह कृषि से संबंधित था। क्या होगी? गहन निर्वाह कृषि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूरेशिया है वो उसने उस देश के जो घास के मैदान है उनको हम लोग जानते हैं स्टेपी के नाम से। कौन से नाम से जानते हैं? स्टेपी के नाम से। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ना में, क्वेश्चन अगला प्रश्न पूछा गया था, जो क्वेश्चन था कि फेजेंटा किससे संबंधित था, जो फेजेंटा है वह किससे संबंधित थे? कॉफी के बगान से। कहां से थे? कॉफी के बगान से। आप लोगों का जो अगला ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, जंग का कटोरे किस शहर को कहते हैं। बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा पीटर्सबर्ग। क्या होगी? पीटर्सबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। तो बोलेंगे सर वो होगी पूंजीवादी। क्या होगी? पूंजीवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? पूंजीवादी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और पूछा जाएगा कि इसका नेतृत्व किसने किया था, हो सके आपका अगला एग्जाम पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे इसका नेतृत्व करने वाले देश था, याद रखेंगे, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बोलेंगे सर निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वो कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। इसी तरह से आप लोग आंसर की पाना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्ट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए डिस्ट हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है कि निम्न में से किस आर्थिक क्रियाओं को सेवा सेक्टर कहा जाता है। तो मैं आपको बताया था जो आप लोग इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ाए थे, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, वहां पर भी मैंने आपको बताया था और आज मैं भी डिस्ट में आपको सामने बताने वाला हूं कि जब से आपसे पूछा जाएगा ना कि सेक्टर, सेवा सेक्टर के बारे में कभी भी बात आए तो बोलेंगे सर वो तृतीय क्षेत्र के बारे में से बात कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर याद रखिए क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बार मिलाकर आप लोग बताइए कि जो 16 क्वेश्चन है उसमें आपको कितना सही हुआ है और ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हुआ है ये भी आपको बताना है। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक तृतीय कृषि है। तो तृतीय कृषि मैंने आपको बताया था व्यापार होगी। क्या होगी? व्यापार इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कृषि अगर आपसे पूछा जाएगा तो कृषि जो है ना प्राथमिक अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया था, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप चतुर्थ क्रिया से संबंधित है। मैंने आपको बताया था चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर विश्वविद्यालय अध्यापन। क्या होगी? विश्वविद्यालय अध्यापन, यानी याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है। याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक मार्ग, समुद्री मार्ग। क्या होगी? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाला एडिशन उसका उनका क्लास अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को चाहिए तो कल से उनका क्लास स्टार्टेड है। जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन बताइए सर हम लोग को ब्लूप्रिंट की तैयारी अच्छी तरह से करना है। विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सी है? तो विश्व सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सी है? तो बोलेंगे ट्रांस हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं साइबेरियन रेल मार्ग। क्या होगी? साइबेरियन रेल मार्ग, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगी साइबेरियन रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं जब, तो हम लोगों को पता चलता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सहेज नहर किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है। सहेज नहर जो है वह किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ते हैं? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। कहां से? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार जरूर आप लोग बताएं कि आप लोग जो 16 मार्क्स का एग्जाम देकर निकले हैं इसमें आप लोगों का कितना सही हुआ है और ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल लग रहा है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ऋणात्मक सह संबंध वाले प्रकीर्णन आकलन में अंकित मानों के वितरण की दिशा होगी, तो बोलेंगे ऊपर दाएं से नीचे। क्या होगी? ऊपर दाएं से नीचे। याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, ऊपर दाएं से नीचे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपसे पूछे गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से डिस्कशन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। क्वेश्चन पूछा गया था किस बिंदु या मान की अधिक पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलेंगे सर इनको हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलेंगे? बहुलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि को मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा के नाम से। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि मिल्पा आपका पेपर में क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे और फाइनली वही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है, क्या परिवाहित किया जाता है, तो बोलेंगे सर वो होगी पेट्रोल। क्या होगी? पेट्रोल। सो डिस्टेंट यहाँ पे आप लोगों को मैंने 16 को जो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, मैंने 16 का 16 आप लोगों को आंसर की बताया। एक बार आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि 16 में से आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो मिसाल क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग बिल्कुल जुड़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाएं व्यस्त रहे।